अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बैंगन बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल मैश हुए होंगे। कुछ लोगों को खड़े खड़े पसंद हैं, कुछ लोगों को मैश किए हुए पसंद हैं। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 2 टेबलस्पून के हिसाब से बटर डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें मैं ये 1 मीडियम प्याज को फ्राई करूँगी और साथ ही मैं ये कड़ी पत्ता डाल दूँगी, 2 इलायचियाँ और दालचीनी, 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, ये हल्दी डाल के कूट ली है, ये 1 मीडियम टमाटर है, ये डाल के भून लूँगी। हमने ये मसाले डालने हैं। ये 1/2 टीस्पून मेथरा है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसको अब हम डाल देंगे बीच में। देखिए मसाला हमारा भून चुका है। ये मैंने 2 बड़े बैंगन लिए हैं, इनको छोटा छोटा काट लिया है और अब हम इसको मसाले में डाल के भून लेंगे। पाँच मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसको दम पे रख के पकने देंगे ताकि ये गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए ऑयल साइडों पे आ रहा है, इसको अभी हमने मज़ीद दम पे पकाना है ताकि बिल्कुल मैश हो जाए, क्योंकि हम चावलों के साथ खाने के लिए बना रहे हैं। ये देखिए ये गल चुका है, अब आप इसमें धनिया डाल दीजिए। लीजिए हमारा मैश किया हुआ बिल्कुल क्रीमी फॉर्म के अंदर बैंगन तैयार हैं। ये मैश बैंगन हमारे हैं, इनको आप बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं।